पब्लिक टीवी आपकी आवाज। २०१९ के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। लगातार प्रशासनिक बैठकों का दौर जारी है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन की ओर से सेक्टर मजिस्ट्रेट की एक कार्यशाला बुलाई गई, जिसमें सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि वो लोग अपने क्षेत्र में जाकर भ्रमण करें और वहाँ की सही जानकारी लेकर प्रशासन को अवगत कराएं, क्योंकि चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, इसको लेकर प्रशासन कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता। आप क्या बताएं, ये तो ऐसी मतदाता सूची बनी है कि हमें नामे नहीं है मेरा। फिर हम तो 27 बार वोट डाले, 28वें बार जब वोट डाले गए तो मतदाता सूची में नामे नहीं। ये प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। ये नेट से मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से हमारे बूथों की संख्या बढ़ रही है। हम बूथ पर भी मतदाता का सीरियल नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है, आपका सीरियल नंबर चेंज हो जाता है, भाग संख्या भी चेंज हो जाती है कभी कभी। तो भाग संख्या और सीरियल नंबर चेंज होता है, लेकिन आपका ईपिक नंबर है ये चेंज नहीं होता। ईपिक नंबर आपका हमेशा स्थायी रहता है, तो ईपिक नंबर के आधार पर ही आवंटित नहीं होता। ये ईपिक नंबर आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का नंबर है, जो मतदाता सूची का है, और ये नंबर इंडिविजुअल एक ही आदमी का है, दो आदमी का नहीं। ECI, छोटे से बड़े से जैसे चाहेंगे वैसे ECI.in, इस पर आप सर्च करेंगे तो NPS पोर्टल खोल करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे कि मतदाता सूची में अपना नाम कैसे ढूंढना चाहते हैं। ईपिक के आधार पर ढूंढना चाहते हैं, अपना इंडिविजुअल नाम के आधार पर ढूंढना चाहते हैं, तो दोनों आपके पास इंडिविजुअल अपना डिटेल है तो अपने डिटेल भर के ढूंढ लीजिए। दोनों आधार पर अपने मतदाता सूची का नाम ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज इस समय हम ढूंढेंगे मतदाता सूची में तो आपका ये भी आएगा कि किस दिन इलेक्शन है, किस समय वोटिंग है, वोटिंग का टाइम क्या है। अब मतदाता ये हमारा NBS पोर्टल पर जो हमारा अभी आयोग ने अधिसूचना जारी की है इलेक्शन की डेट नियत की है, ये भी इसमें फीड हो गया, अपडेट हो गया, ये हमेशा अपडेट होता रहता। तो आपका आज की तारीख में मतदाता ढूंढेंगे इसमें NBS पोर्टल पर, ये भी बताएगा कि आपके यहाँ पोल डे फलाना दिन है, ठीक है, और इस पर पर्ची भी जनरेट करना चाहते हैं तो पर्ची भी जनरेट कर लेंगे।